अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 27 का, वो है प्रीडेशन। प्रीडेशन के बारे में इन्होंने कहा है कि ये एक फीडिंग स्ट्रैटेजी है और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फीडिंग स्ट्रैटेजी। सोफिस्टिकेटेड मीन्स इट इज़ कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी, क्योंकि इसमें हमने जो प्रे होगा उसको कैप्चर करना है। उसको कैप्चर करने के स्पेसिफिक तरीकेकार होंगे, मेथड्स होंगे, उससे हम जो है उसको पकड़ेंगे। तो प्रीडेशन की कुछ तरीक़ेकार जिनको हमने जनरलाइज किया है वो हम डिस्कस करते हैं। हमने क्लासिफाई प्रीडेटर्स को किया है। प्रीडेटर्स जो शिकारी होते हैं, जो प्रीडेशन के ज़रिए से अपना फूड हासिल करते हैं, उनको हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेथड ऑफ प्रे कैप्चर। सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाते हैं जी मोटाइल स्टॉकर। मोटाइल स्टॉकर का क्या मतलब है कि ये ऐसे प्रीडेटर्स हैं जो कि बड़े एक्टिव होते हैं और ये मूव करके मारते हैं शिकार को। स्टॉकर का मतलब होता है किलर, ठीक है। तो ये एक्टिव हैं और ये तेज़ी से चलते फिरते हैं, ढूंढते हैं अपने शिकार को और फिर उसको मार देते हैं। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास सिलिएट प्रोटोजोआ, निमर्टियंस, पोलिगिट वर्म्स, गैस्ट्रोपोड्स, ऑक्टोपस, स्क्विड्स, क्रैब्स, सी स्टार्स और बहुत सारे वर्टिब्रेट्स। सेकंड है हमारे पास लर्किंग प्रीडेटर्स। अब लर्किंग प्रीडेटर्स वो होते हैं जो कि छुपे हुए होते हैं। लर्किंग का लफ्जी मतलब होता है छुपे हुए प्रीडेटर्स। ये क्या करते हैं, ये पहले खामोशी से बैठे रहते हैं, जिसको कहते हैं ना ताकुब में बैठे रहते हैं अपने शिकार के, और उस शिकार को करीब आने का, जब तक शिकार उनके करीब नहीं आ जाता, इतना करीब आ जाए कि वो उसको आसानी से पकड़ सकें, यानी कि उनके सीजिंग डिस्टेंस तक आ जाए, तब तक ये वेट करते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास प्रेइंग मैंटिसिस। अब ये है एक प्रेइंग मैंटिस, और प्रेइंग मैंटिस जो है ये अपने शिकार को खामोशी से वेट करता है, और जब शिकार उसके पास आ जाता है तो उसको पकड़ लेता है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें और भी एग्जांपल्स आ जाती हैं। श्रिम की एग्जांपल है, क्रैब्स की, स्पाइडर्स की, पॉलीक्यूट्स की, और बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के। अगर मुझे वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल याद है तो इसमें आपने कई दफ़ा देखा होगा कि लिजर्ड जो है वो किसी भी इंसेक्ट के ताकुब में बैठी होती है आराम से, जब तक वो उसके करीब नहीं रहता, फिर अचानक से झपट के उसको पकड़ लेती है। नेक्स्ट है सेसाइल अपॉर्चुनिस्ट। सेसाइल अपॉर्चुनिस्ट ऐसे हैं जो कि एक अपनी जगह पर रहते हैं, मूव नहीं कर सकते, और उनको बाय चांस ही कोई शिकार उनको टच कर जाए तो ये उसको पकड़ लेंगे, यानी कि उनकी अपॉर्चुनिटी होगी कि उनको शिकार मिल जाएगा। ये इतने मोबाइल नहीं होते। इसकी एग्जांपल है हमारे पास प्रोटोजोआस, बारनेकल्स, नाइडेरियंस। तो ये जो ही शिकार इनको टच करता है, कॉन्टैक्ट करता है, तो इसको पकड़ लेते हैं। इसके अलावा ग्रेजिंग कार्निवोर्स। इनको कार्निवोर्स इसलिए कहा गया है कि ये एनिमल्स का शिकार करते हैं, और ग्रेजिंग का मतलब ये नहीं है कि ये किसी प्लांट्स को खा रहे हैं। ग्रेजिंग का मतलब है कि ये सबस्ट्रेट पर मूव करते हैं और छांटी करते हैं, छानबीन करते रहते हैं अपने एनिमल्स की, जिनको इन्होंने खाना है। छोटे छोटे एनिमल्स को पकड़ते हैं ये। इनकी डाइट तो कौन से एनिमल्स होते हैं, जो स्लो हरकत करने वाले एनिमल्स, जो ज़मीन, जो मिट्टी के ऊपर मौजूद होंगे, उनको ये पकड़ेंगे। जैसे कि स्पॉन्जेस हैं हमारे पास, ऑक्टोप्रोक्स, ट्यूनिकेट्स, नेल्स हैं, वॉर्म्स हैं, और कुछ छोटे छोटे क्रस्टेशियंस जो हैं वो ये ग्रेजिंग कार्निवर्स हैं। नेक्स्ट फीडिंग स्ट्रेटेजी है सरफेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। और सरफेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जो एनिमल्स हैं वो, उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, बल्कि वो अपनी बॉडी के सरफेस से ही फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। इन्होंने यहाँ पर बताया कि कुछ स्पेशलाइज्ड एनिमल्स हैं, उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, दे आर डिस्पेंस्ड एंटायरली विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। डिस्पेंस्ड का मतलब है कि गेट रिड ऑफ, या उनके पास होता ही नहीं है, क्या उनके पास प्रे को कैप्चर करने का भी, क्योंकि उनको शिकार पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत है जिससे वो फूड को इंजेस्ट करें। तो ये क्या करते हैं, फिर ये क्या करते हैं कि अपनी बॉडी के सरफेस से न्यूट्रिएंट्स को, जो उनके इर्द गिर्द के माहौल में न्यूट्रिएंट्स होंगे, उनको एब्जॉर्ब करेंगे अक्रॉस देयर बॉडी सरफेस। अच्छा, अब उनका जो इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है वो सी वाटर भी हो सकता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हों, या फिर वो एनिमल किसी होस्ट के अंदर रहने वाला हो सकता है, और वो जैसे कि वो किसी भी एनिमल के डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर अगर पैरासाइट के तौर पर रह रहे हैं तो उसका जो फ्लूड है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, या फिर
वो दूसरे एनिमल्स के साथ अटैच हो जाएंगे बाहर एक्सटर्नली उनकी बॉडी के साथ या उनकी जिल्द के साथ जुड़ जाएंगे और उनके बॉडी फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करेंगे। इसकी एग्जांपल है हमारे पास प्रोटोजोआ की, जैसे कि काइलोमोनास। और काइलोमोनास जो है ये अपने तमाम न्यूट्रिएंट्स अपने इर्द गिर्द के एनवायरमेंट से एब्जॉर्प्शन के ज़रिए से हासिल करता है। इसकी पिक्चर देखते हैं, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ काइलोमोनास। और ये काइलोमोनास अपनी बॉडी की जो सरफेस है, ये सारी सरफेस इससे इसकी सरफेस से ही सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि इसके इर्द गिर्द के एनवायरमेंट में है वो एब्जॉर्ब होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास एंडो पैरासिटिक प्रोटोजोआ। अब एंडो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म वो हैं जो कि किसी होस्ट के अंदर पैरासाइट के तौर पर रहते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, स्टोर बर्म्स और एंडो पैरासिटिक गैस्ट्रोपोड्स, क्रस्टेशियंस। ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं अपने होस्ट की के एब्जॉर्ब करते हैं अप अक्रॉस देयर बॉडी सरफेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास नॉन पैरासिटिक मल्टी सेलुलर एनिमल्स। और इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम और माउथ नहीं होता और ये भी अपनी बॉडी सरफेस के क्रॉस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास गट लेस बाइवाल्व्स, यानी कुछ ऐसे बाइवाल्व्स हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि गट नहीं होती। दिस इज़ द एग्जाम्पल और फिगर ऑफ द गट ऑफ वन ऑफ द गट लेस बाइवाल्व। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास पोगोनोफोरन वॉर्म की, एंड दिस इज़ द फिगर ऑफ अ पोगोनोफोरन वॉर्म। और ये अपनी बॉडी की सरफेस के क्रॉस जो है न्यूट्रिएंट्स को सी वाटर से एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा अगर कार्बन की जो ज़रूरत है उसको ये पूरा करते हैं अपने बॉडी के अंदर। इनके एक बैक्टीरिया रहता है जो कि सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होता है, और वो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया इनको कार्बन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूड फीडर्स। अब फ्लूड फीडर्स जो होते हैं ये हमारे पास ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स की बॉडी के फ्लूड को फीड करते हैं। स्पेशली ये वो एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर जो पाया जाने वाला फ्लूड है और एनिमल्स में पाया जाने वाला फ्लूड है उसको फीड करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड फ्लूड फीडर्स। अब फ्लूड फीडिंग जो होती है ये मोस्टली पैरासाइट्स के अंदर होती है, जैसे कि इंटेस्टाइनल नेमाटोड्स जो होते हैं, जैसे कि राउंड वर्म्स है, पिन वर्म है, हुक वर्म, जो आप लोगों ने पहले पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा है। तो वो क्या करते हैं, उनके माउथ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि वो होस्ट की इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो जाते हैं, उसको उसको रेस्प करते हैं, उसको खुरचते हैं और फिर वहाँ से जो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है उसको फिर सक करते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी होते हैं जो फ्लूड फीडर्स होते हैं, जैसे कि लीचीज़ है, टिक्स हैं, माइट्स हैं, लैम्प्रेज हैं। ये सब जो हैं दे आर एक्सटर्नल पैरासाइट्स। ये होस्ट के साथ उसकी बॉडी की सरफेस के ऊपर जुड़ जाते हैं और वहाँ से उसका ब्लड या बॉडी फ्लूड जो है वो सक करते हैं। मिसाल के तौर पर सी लैम्प्रेज होता है, उसका माउथ पार्ट बड़ा स्पेसिफिक है, उसके माउथ के अंदर एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेट सी इट्स फनल लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज़ द फिगर ऑफ अ लैम्प्रे पिट्रोमाइजोन। इसका जीनस नेम है। सो यहाँ पर इसका माउथ पार्ट आप देखें तो यहाँ पर यह बकल फनल है जिसके इस फनल के ज़रिए से ये अटैच हो जाता है अपने होस्ट के अंदर के साथ। ठीक है, लैम्प्रे की ये रियल जो पिक्चर है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। उसका अगर ये आप फनल को देखें तो फनल के अंदर बहुत सारे टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये तकरीबन 200 टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर रेस्पिंग टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स के ये स्क्रैच कर सकते हैं। रेस्पिंग, इसकी टंग भी रेस्पिंग होती है, इसके अंदर इसकी टंग होती है जो कि बड़ी ही सख्त होती है, खुरचने वाली होती है। अब तो रेस्पिंग टंग है और अराउंड 200 रेस्पिंग टीथ है इसके अंदर। और एक और फिगर से हम इसका माउथ देखते हैं। इस पिक्चर के अंदर आपको बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है इसका जो है फनल। फनल के अंदर 200 के लगभग टीथ हैं और इसकी टंग जो है उसके वो भी रेस्पिंग होती है। नो, इस फिगर में आप देख सकते हो कि ये लैम्प्रे अपने होस्ट फिश के साथ जुड़ा हुआ है, अपने सक्शन जो फनल है उसके साथ इसने सक्शन क्रिएट की हुई है और फिर उसके बाद अपनी जो रेस्पिंग टंग है वो उसकी स्किन के ऊपर, फिश की स्किन के ऊपर मारेगा जिससे वहाँ पर एक वुंड बन जाएगा या होल बन जाएगा, उसके बाद वो सक करेगा उसके ब्लड को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स जो होते हैं दे हैव द हाईली डेवलप्ड सकिंग स्ट्रक्चर्स। उनकी सकिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं। आपको मॉस्किटो आपके माइंड में होगा कि जो ब्लड को सक करता है उसके पास एक लंबा सा माउथ पार्ट होता है जिसे हम स्टाइलेट कहते हैं। वो पियर्सिंग स्टाइलेट होता है क्योंकि वो होल क्रिएट करता है स्किन में और उसी से ही वो लाइक अ स्ट्रॉ जो होता है लंबा सा होता है और वो उससे ब्लड को सक करता है। इसकी फिगर भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मॉस्किटो का स्टाइलेट नज़र आ रहा है और ये देखिए इसने इससे पियर्स किया है ब्लड वेसल को और फिर इसी से ही इसको सक कर रहा है ब्लड को। इसके अलावा बटरफ्लाई मॉथ एफिड्स के भी माउथ पार्ट्स ऐसे ही होते हैं जो कि ट्यूब की तरह लंबे होते हैं और वो उनको
प्लांट फ्लूइड जो है प्लांट के अंदर ये उसको पेनिट्रेट करते हैं, वो अपने माउथ ट्यूबलाइक माउथ पार्ट्स को प्लांट्स के अंदर पेनिट्रेट करके प्लांट्स का फ्लूइड सक करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है पोलन एंड नेक्टर फीडिंग बर्ड्स, और इनके पास लंबी बिल्स होती हैं। इसकी पिक्चर देख लेते हैं। दिस इज़ अ बर्ड एंड दिस बर्ड इज़ अ नेक्टर फीडिंग बर्ड। अब नेक्टर फीडिंग बर्ड की अगर आप बिल को देखें यानी कि इसकी चोंच को देखें तो इसकी बिल और जो इसकी टंग है वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड है। उसकी स्पेसिफिक लंबी सी शेप आपको नज़र आ रही है, और समटाइम्स इनकी जो टंग होती है ना, जबान जो इसकी बिल के अंदर होती है वो ब्रश लाइक टिप उसकी होती है, या उसकी टंग जो होती है वो हॉलो होती है ताकि वो फ्लावर से नेक्टर अटेन कर सके। और कुछ नेक्टर फीडिंग बर्ड्स की जो होती है वो बिल छोटी भी होती है, लेकिन इनकी जो बिल का साइज़ होता है ये अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्लावर होता है कि जिस किस तरह के फ्लावर से ये नेक्टर लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली इनकी बिल की स्पेसिफिकेशन होती है। इनकी बिल लंबी छोटी या उसका कर्वेचर ख़ास किस्म का हो सकता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि ये डिफरेंट बर्ड्स हैं, नेक्टर फीडिंग बर्ड्स हैं, और ये डिफरेंट तरह के फ्लावर्स का नेक्टर सक करते हैं, तो इनकी बिल जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। कुछ लॉन्ग बिल्ड होते हैं और कुछ शॉर्ट बिल्ड बर्ड्स होते हैं। जो शॉर्ट बिल्ड होते हैं ये क्या करते हैं कि ये इसकी फ्लावर की बेस के अंदर एक होल क्रिएट करते हैं, और उसके बाद अपने टंग से उस होल के अंदर जितना भी फ्लूइड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन मैमल्स के हवाले से बात करते हैं। जो फ्लूइड फीडिंग मैमल्स हैं, स्पेशली जो ब्लड को फीड करने वाले मैमल्स हैं, वो हमारे पास एक बैट है, और उस बैट चूँकि वो ब्लड को फीड करती है इसलिए उसको वैम्पायर बैट कहते हैं, और उसका साइंटिफिक नेम है डेस्मोडस। साउथ और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। इसकी भी फिगर देख लेते हैं। नाउ दिस इज़ द फिगर ऑफ अ डेस्मोडस बैट, और ये डेस्मोडस जो होते हैं ये किस पर अटैक करता है, ये बर्ड्स को भी बर्ड्स पर भी शिकार कर सकता है, कैटल पे, हॉर्सेस पे, और इसकी जो टीथ होते हैं वो नाइफ शार्प होते हैं, जैसे कि वैम्पायर्स के आप देखते हो जो हमें कार्टून्स में नज़र आते हैं, उनके जो टीथ होते हैं, केनाइंस होते हैं, वो बड़े शार्प होते हैं, तो इनके फ्रंट टीथ जो होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, जिससे वो जो जिल्द है उसकी सरफेस को पीर्स करेंगे और उसकी ब्लड वेसल्स से ब्लड को सक करेंगे। जब ब्लड निकलेगा उससे तो जो ज़ख्म होगा या ऊजिंग वोंड होगा जिससे ब्लड ऊज कर रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा, उसको लैप करके उसको जो चाटेंगे और उससे ब्लड को सक करेंगे। उसके बाद है नेक्टर फीडिंग बैट्स भी होते हैं। अगर एक हमारे पास ये ब्लड सकिंग बैट्स हैं तो हमारे पास कुछ नेक्टर फीडिंग बैट्स भी होते हैं, उसको देखते हैं। दिस इज़ अ फिगर ऑफ अ नेक्टर फीडिंग बैट, और इस नेक्टर फीडिंग बैट की स्पेसिफिकेशन ये है कि इसकी टंग बड़ी लंबी होती है ताकि ये फ्लावर्स का नेक्टर अटेन कर सके, और इसके दांत जो हैं वो कम होते हैं, डेंटिशन इसके अंदर कम होती है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड फीडिंग बैट्स, क्योंकि इसको जो है ब्लड को सक नहीं करना। एक और मैमल है जो कि फ्लूइड फीडर है, दिस इज़ अ हनी पोसम, और ये नेक्टर को फीड करता है, फ्लावर से नेक्टर लेता है। इसकी इसके माउथ पार्ट किस तरह के होते हैं कि इसके पास लॉन्ग टंग होती है और इसके पास भी डेंटिशन कम होती है, लॉन्ग टंग से ये नेक्टर को कलेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ फ्लूइड फीडर्स इन दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।